क्या आपको भरोसा है कि आप जिस अस्पताल में, जिस चिकित्सालय में अपना इलाज करवा रहे हैं, वहाँ सुविधाएं अच्छी होंगी, डॉक्टर्स अच्छे होंगे, न्यूनतम मापदंडों का पालन होगा और इलाज पर कितना खर्च होगा? कई बार हम ये सवाल भगवान भरोसे छोड़ देते हैं या फिर उन पर ज़्यादा ध्यान देते ही नहीं हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में एक ऐसा कानून है जिसमें अस्पताल से यह कहा गया है कि वो अपनी सुविधाओं का स्तर बेहतर बनाकर रखें, लेकिन कुछ मुद्दों पर डॉक्टरों का विरोध के कारण इस कानून को लागू कर पाना संभव नहीं हो पाया। सरकार ने 2010 में क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट कानून पारित किया था, जिसका मकसद था निजी अस्पतालों, क्लिनिक, डायग्नोसिस्ट सेंटरों की जवाबदेही निर्धारित करना और यह सुनिश्चित करना कि वो खुद को रजिस्टर करवाएं, न्यूनतम मापदंडों का पालन करें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उस पर जुर्माना लगाया जाए। इस कानून की मदद से अस्पतालों की स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी जुटाना आसान हो जाता है। इससे देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर योजनाएं बनाने में मदद भी मिलती। स्वास्थ्य मामलों में सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन से जुड़े रहे सुनील नंदराज बताते हैं कि इस कानून को अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम के लिए बनाया गया था। दूसरे राज्यों के पास विकल्प था कि वो हो सके तो इसे अपने यहाँ भी लागू करें या फिर इस पर विषय पर अपना कोई अलग कानून बनाए। स्वास्थ्य क्षेत्र में सालों से काम करने वाले एक्टिविस्ट सुनील नंदराज बताते हैं कि 5 राज्य, जिसमें राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, असम और उत्तराखंड ने इस कानून को स्वीकार कर लिया है, लेकिन इसको लागू करने में कई चुनौतियां हैं। इस कानून की मुख्य बातें कुछ इस प्रकार है। अस्पताल, क्लिनिक खुद को रजिस्टर करवाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे लोगों को न्यूनतम सुविधाएं और सेवाएं दे रहे हैं। ये अस्पताल मैटरनिटी होम्स, नर्सिंग होम्स, डिस्पेंसरी क्लिनिक, आरोग्य निवास आदि के अलावा एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी दवाओं से जुड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी लागू किया है। स्वास्थ्य सुविधाएं देने वाली सभी संस्थानों के लिए यह जरूरी है कि वह इससे जुड़े और इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ एंड मेडिकल रिकॉर्ड EHR और EMR को सुरक्षित रखे। इन संस्थानों का यह दायित्व था कि अगर कोई रोगी इमरजेंसी में अस्पताल पहुंचता है तो उसे वो सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी जिससे रोगी को स्टेबल किया जा सके। संस्थान अपनी सेवाओं की कीमत राज्य सरकारों से बातचीत करके और केंद्र सरकार की सूची में निर्धारित सीमाओं के भीतर यह तय करें और इनको स्थानीय और अंग्रेजी भाषा में अस्पताल में प्रदर्शित करें। यानी अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो एक बोर्ड पर यह सारी जानकारी अस्पताल में लगी होनी चाहिए। कानून के मुताबिक अगर किसी निर्धारित प्रावधान का उल्लंघन होता है तो अस्पताल का रजिस्ट्रेशन उसी समय तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। रजिस्टर करने वाले अधिकारियों के पास जांच और तहकीकात के अधिकार होंगे। कानून में उल्लंघन पर जुर्माने की बात की गई है और यह बताया जा रहा है कि इस कानून के कई प्रावधानों से डॉक्टर नाराज है। डॉक्टरों की सबसे ज़्यादा नाराजगी सेक्शन 12(2) से है। इस सेक्शन के मुताबिक अगर कोई रोगी इमरजेंसी में अस्पताल पहुंचता है तो उसे वो सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी जिससे एक तरह से उसको स्थायी किया जा सके, स्टेबल किया जा सके। अब ये भी जान लीजिए कि किस राज्य की स्वास्थ्य सुविधाएं भारत में इस समय बेहतर है। स्वास्थ्य सुविधा और चिकित्सा सेवाओं के मोर्चे पर बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और ओडिशा सबसे अधिक फिसड्डी साबित हुए हैं। इसके विपरीत हरियाणा, राजस्थान और झारखंड में हालत में उल्लेखनीय रूप से सुधार हुआ है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और विश्व बैंक के तकनीकी सहयोग से नीति आयोग ने स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत शीर्षक की एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाओं के स्तर के बारे में पता चला है। बिहार, उत्तर प्रदेश में हालात सबसे खराब है। इस रिपोर्ट में राज्यों की रैंकिंग भी की गई है। इंक्रीमेंटल रैंकिंग यानी पिछली बार के मुकाबले सुधार के मामले में 21 बड़े राज्यों की सूची में बिहार 21वें स्थान पर सबसे नीचे पायदान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश 20वें पायदान पर है, उत्तराखंड 19वें और ओडिशा 18वें स्थान पर है। संपूर्ण रैंकिंग की यदि बात की जाए तो 21 बड़े राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश सबसे नीचे स्थान पर है। इसके बाद क्रमशः बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड का स्थान है। वहीं इसमें शीर्ष पर केरल है, उसके बाद क्रमशः आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात का स्थान है।
लगभग 23 मानकों पर की गई राज्यों की रैंकिंग की रिपोर्ट के अनुसार संदर्भ वर्ष 2015-16 की तुलना में 2017-2018 में स्वास्थ्य क्षेत्र में बिहार का संपूर्ण प्रदर्शन का जो सूचकांक है, जो इंडेक्स है, वह 6.35 अंक घिरा है। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के प्रदर्शन सूचकांक में 5.08 अंक, उत्तराखंड में 5.02 अंक तथा ओडिशा के सूचकांक में 3.46 अंक की गिरावट आई है। यह रैंकिंग 23 संकेतकों के आधार पर तैयार की गई है। इन संकेतकों को स्वास्थ्य योजनाएं, परिणाम, नवजात मृत्यु दर, प्रजनन दर, जन्म के समय स्त्री पुरुष अनुपात आदि, संचालन व्यवस्था की सूचना, अधिकारियों की नियुक्ति अवधि आदि तथा प्रमुख इनपुट प्रक्रियाओं जैसे नर्सों के खाली बड़े पद, जन्म पंजीकरण का स्तर आदि में इसको बांटा गया है। पहली बार 2018 में जारी हुई थी रैंकिंग। यह अब दूसरा मौका है जब आयोग ने स्वास्थ्य सूचकांक के आधार पर राज्यों की रैंकिंग की है। इस तरह की पिछली रैंकिंग फरवरी 2018 में जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में पिछली बार के मुकाबले सुधार और कुल मिलाकर बेहतर प्रदर्शन के आधार पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग तीन श्रेणी में दी गई, जिसमें पहली श्रेणी में 21 बड़े राज्य, दूसरी श्रेणी में 8 छोटे राज्य एवं तीसरी श्रेणी में जो केंद्र शासित प्रदेश है उनको रखा गया। हरियाणा का प्रदर्शन इसमें सबसे अच्छा है। सूचकांक में सुधार के पैमाने पर हरियाणा का प्रदर्शन इस समय ठीक है। इसके 2017-18 के संपूर्ण सूचकांक में 6.55 अंक सुधार आया है। उसके बाद क्रमशः राजस्थान दूसरा, झारखंड तीसरा और आंध्र प्रदेश चौथे स्थान पर रहा है। वहीं छोटे राज्यों में त्रिपुरा पहले पायदान पर रहा है। इसके बाद क्रमशः मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड का स्थान रहा है। इसमें सबसे फिसड्डी अरुणाचल प्रदेश 8वें, सिक्किम 7वें तथा गोवा 6ठे स्थान पर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश की राजधानी दिल्ली 5वें स्थान पर रिपोर्ट के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में दादर एवं नागर हवेली यह पहला स्थान तथा चंडीगढ़ दूसरा स्थान की स्थिति में पहले से बेहतर हुई है। सूची में लक्षद्वीप तथा दिल्ली 5वें स्थान पर है। संपूर्ण रैंकिंग में 8 छोटे राज्यों में मिजोरम पहले स्थान पर जबकि मणिपुर और मेघालय क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। वहीं नागालैंड 8वां, अरुणाचल प्रदेश 7वें और त्रिपुरा 6ठे स्थान पर है। इसी आधार पर 7 केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ पहले स्थान पर है जबकि दादर नागर हवेली दूसरे स्थान पर, लक्षद्वीप तीसरे स्थान पर है। वहीं दमन एवं दीव सबसे निचले पायदान पर है। अंडमान निकोबार 6ठे और दिल्ली 5वें स्थान पर है। ये थी भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत के बाहर की स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी है और कितनी अलग है वहाँ की बुनियादी जरूरत, कितनी अलग है वहाँ की बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं। इसी तरह की तमाम सूचनाओं, तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। शुक्रिया।